आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। यानी कि आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि जो मिडवाइफरी है और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग है उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और उनके बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो पिछले दो डिकेड से, यानी कि जो दो डिकेड निकल चुके हैं, उस तब से जो हमारे हेल्थ पॉलिसी वर्कर्स हैं या फिर जो हेल्थ पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा बोल सकते हैं हम मैटरनल जो हेल्थ है उसको कैसे सुधारा जाए या फिर उसमें क्या क्या ऐसी नई चीज़ें लाई जाए जिससे जो हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उसको डिक्रीज़ किया जा सके या फिर इम्प्रूवमेंट किया जा सके डिलीवरी सिस्टम में। तो एक बात हम ये जान सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ टोटल फैमिली इज़ द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी सोसाइटी। इसका मतलब ये होता है, यानी कि अगर कोई भी फैमिली की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है अगर वो बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक हेल्दी सोसाइटी है। जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, यानी कि जो फैमिली को बढ़ाने का काम करते हैं या फिर जो जनरेशन को बढ़ाने का काम करती हैं वो कौन करती है? फीमेल्स। फीमेल्स बेबी को बर्थ देती हैं, तब किसी की जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है, जनरेशन हाँ बढ़ती है। तो क्या होता है, अगर फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वही ठीक नहीं है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, मैटरनल मॉर्टेलिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिल सकती है ना। तो ये कंडीशंस कुछ ऐसी हो सकती है जिनकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है वो उसमें हमें कई बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने के लिए मिल सकती हैं कि हमारी सोसाइटी हेल्दी ना दिखे, राइट। अगर मैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही है अगर वही सही नहीं होगी, वही हेल्दी नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी है वो भी हेल्दी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो सीधे सीधे ये जो पॉइंट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ टोटल फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी सोसाइटी, ये एकदम क्लियर एंड कट बात है कि मतलब अगर कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसी की अगर सही है तो हमारी सोसाइटी भी क्या है, एकदम हेल्दी है। नेक्स्ट, की टू रिडक्शन इन मैटरनल मॉर्टिलिटी इज अ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ डिलीवरी केयर या फिर डिलीवरी सिस्टम हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पूरे दुनिया में है ना, वर्ल्ड में या फिर हमारे भारत में या फिर जो हमारे एब्रॉड्स हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस कर रहे हैं 21st सेंचुरी के लिए कि जो मतलब हमारी जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हो सके, जो और भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उनको हम कम कर सके। तो अगर ये बोलें कि मतलब जो मैटरनल मॉर्टेलिटी को रिडक्ट करने के लिए जो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो की होती है वो क्या है, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ डिलीवरी केयर, यानी कि मैटरनल मतलब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कब बढ़ती है, जब बच्चे को डिलीवर करते टाइम में क्या हो जाए, मदर की डेथ हो जाए या फिर डिलीवरी करने के बाद मदर की डेथ हो जाए। अगर डिलीवरी को ही हम प्रोफेशनलाइज कर दें, यानी कि हम उसको जो सेप्सिस हो जाती है फीमेल्स को, उसको हम एसेप्टिक कंडीशंस वहाँ पे इस्तेमाल करने लगे या फिर मदर को एंटीनेटल केयर प्रॉपर दी जा सके, यानी कि ये सब चीज़ें तो हमें अभी पता चलने लगी है, जैसे एंटीनेटल केयर हो गया और भी जो डिसीज कंडीशन है, इतनी सारी स्क्रीनिंग टेस्ट आ गए, इतने सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए, ये सब चीज़ें तो अभी आ गई हैं। बट जब 80s में 90s में ये सब चीज़ें इतनी प्रोफेशनल नहीं थी या फिर इतनी हमारे उसमें डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो तब बहुत ज़्यादा हमें मॉर्टेलिटी रेट्स यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स देखने के लिए मिलती थी। तो यही एक है कि जो की है मतलब उसको मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को रिडक्ट करने की जो की है वो हमारी क्या है, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ डिलीवरी केयर, यानी कि अगर हम डिलीवरी की केयर को या फिर जो डिलीवरी है उसको अगर प्रोफेशनलाइजेशन कर दें उसका, यानी कि उसमें अगर हम इम्प्रूवमेंट कर दें, अगर प्रॉपर तरीके से हम पेशेंट को ट्रीट करें, इन्फेक्शन को ट्रीट करें, तो वो क्या होगा, वो हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करेगा, राइट। तो क्या हुआ था, सबसे पहले जो शुरुआत करी गई थी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने की, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, वो स्वीडन से शुरुआत हुई थी और 1890s के शुरुआती दौर में, यानी कि जब 1890s स्टार्टिंग ही हुआ था,
स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग में तो क्या किया था, स्वीडन ने कुछ ऐसी तरकीबें इस्तेमाल करी थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने एसेप्टिक टेक्निक्स और डिलीवरी केयर को इतना इम्प्रूवमेंट कर दिया था कि वहाँ के जो स्वीडन की जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और उसको देखा देखी जब स्वीडन में ये सब चीज़ें देखने के लिए मिली, तो उसके बाद में जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वीडन की तरकीबें इस्तेमाल करके जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट थी उसको क्या किया, उसको भी डिक्रीज किया। तो इसके बाद में क्या हुआ, 1940s में, यानी कि जब 1890s में जब स्वीडन में स्टार्टिंग करी धीरे धीरे, उनमें मैटरनल मॉर्टेलिटी कम देखने के लिए मिली, तो जो हमारे यूके और यूएस थे 1940s में, उन्होंने भी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पे बहुत ज़्यादा अपना हाथ जमा लिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिली थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, हमारा इंडिया भी, हमारा भारत भी कहाँ पीछे है, तो क्या हुआ, जो भारत है और जो हमारा नॉर्थन यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी धीरे धीरे इन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया और धीरे धीरे क्या किया, अपनी डिलीवरी सिस्टम्स को इम्प्रूव किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे भी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम देखने के लिए मिली। इसके बाद में श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, इन सब कंट्रीज ने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने भी इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब शुरुआत कहीं से हुई और पूरे भारत में ये सारी चीज़ें फैल गई। और ये सब चीज़ें हर कंट्री के हिसाब से अपनी अपनी रहती है, यानी कि हमारे भारत के कुछ और नियम होंगे, यूएसए के कुछ और नियम होंगे, यूके के कुछ और नियम होंगे, कंट्री वाइज भी डिफर करता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे इंडिया पे कंट्रोल, मतलब पूरे हम भारत नहीं, इंडिया नहीं, सॉरी, पूरे दुनिया पे कंट्रोल जमा के रखती है, जिनको पूरी दुनिया को, जितनी भी कंट्रीज है उन सबको WHO की बात माननी होती है, राइट। तो कुछ कंट्रीज डिफर करती हैं कंडीशंस, और कुछ हमें वर्ल्ड वाइड भी माननी पड़ती है। तो सीधे सीधे इन सब चीज़ों से हम ये मान सकते हैं कि जो भी मिडवाइफरी केयर के अंदर जा रहे हैं, उन्हें जो हम बोल सकते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है, उसके बारे में जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज से हम वही जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, गायनिकोलॉजी और मिडवाइफरी के बारे में। तो आज के सेशन में हमने ये बात की है, इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। थैंक यू।